कोविड 19 के 15 नए मामलों की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ओमान में 15 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए हैं। देश में अब कुल 99 मामले हैं और 17 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सभी 15 लोग ओमान के नागरिक हैं। 7 मामले संक्रमित रोगियों के संपर्क से जुड़े हैं और 7 मामले यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और अमरीका की यात्रा से संबंधित हैं। 1 मामला महामारी विज्ञान जाँच के तहत है। लापता व्यक्ति का शव बरामद। PACDA ने घोषित किया है कि वादी अंदाम के बचाव दल ने दूसरे लापता व्यक्ति का शव बरामद कर लिया है। हाल ही में खराब मौसम के दौरान एक वाहन बहती वादी में बह गया था, जिसमें 2 लोग थे। एक व्यक्ति का शव पहले ही बरामद हो चुका था। एक टैक्सी में केवल 2 यात्री यात्रा कर सकते हैं। परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को जारी किए गए एक बयान में कहा कि ड्राइवर को छोड़ के केवल 2 यात्री टैक्सी में यात्रा कर सकते हैं। परिवहन मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, ड्राइवर के अलावा यात्रियों की संख्या 3 से घटाकर 2 करने का फैसला किया गया है।